पांच राज्यों में बच चुका है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में पांच स्टेटों में इलेक्शन 23 नवंबर से शुरू हो जाएंगे और इसका इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है सबका। कितनी सीटें हैं वो भी बताया गया है, बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए वो भी देख लेंगे। राजस्थान का 23 नवंबर को इलेक्शन है, 200 सीट है और बहुमत के लिए 101 सीट चाहिए। जो भी पार्टी सरकार बनाएगी उसकी 101 सीट होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को इलेक्शन है, 230 सीटें हैं, 116 जिसको मिलेंगी वो पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी। यहाँ ये बताना खास तौर पे जरूरी है कि मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से भाजपा की चौहान सरकार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में हर इलेक्शन में पार्टी बदल जाती है, वहाँ 2 बार में इलेक्शन हो गए, 7 और 17 नवंबर को। 90 सीट हैं, 46 के ऊपर सरकार बनेगी। 2 दिन का खास कारण ये है कि वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा कंपनी चाहिए होगी, क्योंकि नक्सली एरिया है, पहले भी बहुत इस तरह की वारदात होती रही, इसलिए इसको उस तरीके से देखा जाना चाहिए। तेलंगाना में केसीआर की सरकार काफ़ी समय से सक्सेसफुली काम कर रही है, वहाँ इलेक्शन 30 नवंबर को होगा। 119 सीट हैं, 60 सीटों पे जिसके भी होंगे ज़्यादा वो सरकार बनाएगी। ऐसे ही मिजोरम में 7 नवंबर को इलेक्शन है, 40 सीट है टोटल, 21 सीट है जिसके पास होंगी वो पार्टी सरकार बनाने की पोजीशन में होंगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना केसीआर है, भारत तेलंगाना राष्ट्रीय पार्टी है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत पिछले मैंडेट को जो पायलट ने बनाया था अपनी मेहनत से, उसको सीनियर पोजीशन पे होते हुए उसको एक किस्म से हड़प लिया, जिसकी नाराजगी पायलट आज तक दिखाते रहे हैं। और वो ऐसी नाराजगी है जिसका कोई हल अभी तक ना सरकार ढूंढ पाई है ना कांग्रेस ढूंढ पाई है, और वो नाराजगी हर तीसरे चौथे दिन, तीसरे महीने, चौथे महीने फूफा की तरह रूठ जाती है। ऐसी हुआ एक भाजपा में भी है जो लगातार रूठती मनती रहती है, नाम बता देंगे कुछ रूठती आप समझ गए होंगे। तो मैं मेट्रो न्यूज से उमेश सिंगला, इलेक्शन के रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे और 5 दिसंबर से पहले इलेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। मेट्रो न्यूज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करते रहिए ऐसी खबरें देखने सुनने के लिए। धन्यवाद।